हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है। क्या खास है गूगल शीट में, क्या सिखाऊंगा आइए दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। सवाल ये है कि इसके पहले जीरो जीरो ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर आप जीरो लिख देते हैं तो यहाँ देखिए ये जीरो मैं लिखता हूँ तो ये जीरो ऑटोमेटिक रिमूव हो जा रहा है। देखिए ना, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर भी जीरो रिमूव हो गया। हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई नंबर लिख दे तो उसके पहले जीरो ऐड हो जाए। तो जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है तो ऐसी भी दिमाग में बात आ सकती है कि यहाँ पे छोटा नंबर कोई लिखते हैं उसके पहले जीरो ऐड कर देते हैं, तो अगर इसके भी पहले आप जीरो ऐड करना चाहें तो नहीं ऐड कर पाएंगे। तो फिर जीरो ऐड कैसे होगा, तरीका क्या है कि हम जीरो ऐड कर पाए, ठीक है, तो इसी को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल कॉमा में जीरो लिख देता हूँ, लिख दिया। अब यहाँ पे एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। और एंड लगाने के बाद देखिए मैंने एंड लगा दिया है, उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि सब में जीरो ऐड हो चुका है। तो जीरो अगर लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं, बिना फॉर्मूले की मदद की आप कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।